बैक टू माई चैनल, आई एम सिमरन जहानी और आज की इस वीडियो में तुम सोच रहे होगे हम क्या बात करने वाले हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द सीक्रेट ऑफ माई स्टडी लाइफ. तो देखो, यू नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट मी, तो मैं लगता है आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो बिकॉज आई डिस्कस मेनी पार्ट्स ऑफ माई लाइफ विद यू. आई टेल यू कैसे पढ़ना है, वो हाउ टू मैनेज योर टाइम्स, हाउ टू गिव ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, हाउ टू मैनेज द सब्जेक्ट्स, ये सब हम डिस्कस करते हैं. वो सब मैं आपको बताती हूँ. बट एज यू गाइज नो, लाइक बचपन से ही आई वॉज टॉप स्कोरर्स ऑफ माई स्कूल. ठीक है, तो मेरे अच्छे ही नंबर आते थे बोर्ड में, 97% आई और 10th में भी अच्छे मार्क्स आए. तो भैया ऐसी बात है, जो ये पढ़ाई है ना, मैंने कभी पढ़ाई को ऐसे नहीं करा जैसे वो टॉपर्स वाला टैग होता है कि भैया ये टॉपर्स वाला टैग है, ये टॉपर्स वाली पढ़ाई करती है. नो, अगर कभी मैं तुम्हें इनफैक्ट अपने भैया से ही पूछवा दूंगी. ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, यू नो आई से मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी. तो वो जो इवेंट बनाना होता है ना, सबसे बड़ा इवेंट मैं बनाती हूँ सैटरडे को. यही चीज़ आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ बिकॉज नाउ ऑल माई भाई बहनों, स्ट्रिक्टली ये वही बच्चों के लिए है जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जिनकी मंजिल वहाँ है. कौन सी वाली मंजिल? जिनकी मंजिल ये वाली है, ठीक है, या जिनकी मंजिल ये वाली है. इन वाले बच्चों के लिए तुम लोग लगे पड़े हो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने को. किसी दिन एग्जॉस्टेड होते हो तो दूसरे दिन ऊपर, एक दिन नीचे तो दूसरे दिन ऊपर, यही तो हमारी लाइफ है. अगर एक दिन नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा हम दूसरे दिन पढ़ लेंगे. चाहे तुम किस भी दिन से स्टार्ट कर रहे हो, तुम नंबर लेकर आओगे. तो मैं खुद को ये नहीं कह रहा कि अरे भैया अब तो लेट हो गई, अब मैं नहीं ला सकता. ऐसी बातें जो लोग करते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं सक्सीड कर सकते. जो तुम्हें कहेंगे कि नहीं अब नहीं हो सकता, नहीं, आखिरी दिन तक हो सकता है. तो उसको कैसे करेंगे? खाली कहने देने से नहीं कि हाँ भैया आज भेंगे, नहीं, उसके लिए रेगुलरली एंड रेगुलरली वी हैव टू प्लान. जैसे हम लोग ग्रोथ करते हैं, कल हमने अपने एम के ऊपर बात करी ना, कल हमने बात, मैंने आपको कहा आपको 99% लानी है, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ, तुम अपनी तरह से मेहनत करोगे. तो कल हमने अपना विजन बनाया कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए. दूसरी बात क्या, एक चैप्टर को मिनिमम टाइम में हमें कंप्लीट करना है. वो वीडियो भी बनानी है बट आज मुझे टाइम नहीं मिला. आज मुझे तुम्हें, आज अब मार्च है, अप्रैल है, बस 2 महीने हैं. और ये वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू, ये 9th, 10th, 11th, 12th, इनफैक्ट 7th, 8th, हर एक बच्चे के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये. क्योंकि ये चीज़ तुम्हें अपनी स्टूडेंट लाइफ में समझनी पड़ेगी दैट इस दिन पे ना, सैटरडे को तुम्हें जितना टाइम मिलता है वो एक अलग ही टाइम होता है. उसमें तुम अपनी अलग ही टेंडेंसी शो कर सकते हो जो आप यूजुअली नहीं कर सकते हो. बेसिकली तुम सब कहोगे कि हाँ भाई दीदी, हम तो 6 बजे तक सुबह बैठ के पढ़ सकते हैं, हम सुबह 4 बजे तक बैठ के पढ़ सकते हैं, हम सुबह 3 बजे तक बैठ के पढ़ सकते हैं. 8th वाले बच्चे भी कहेंगे दीदी हम आपके नाइट आउल हैं, हम 2 बजे तक पढ़ लेते हैं, है ना, तुम पढ़ सकते हो. बट दीदी अगले दिन स्कूल जाना होता है ना, तो मम्मी उठा देती है सुबह 6 बजे, अब 2 बजे सो के 6 बजे थोड़ी उठ जाएंगे. तो एग्जैक्टली दिस इज़ द प्रॉब्लम. ठीक है, हमें 3 बजे तक मूवी दिखा लो, हम मजे में मूवी देखते हैं, हमें 3 बजे तक कुछ भी करवा लो, फ़ोन में पबजी खिलवा लो, ये करवा लो, वो करवा, आई एम मिसिंग द पबजी डेज गाइस, बहुत समय हो गया अब तो खेले हुए. ठीक है, तो एग्जैक्टली खेलेंगे अप्रैल के बाद, खेलेंगे उसके बाद करना क्या, वेले ही तो घूमना अपने अप्रैल के बाद, और करना क्या है, क्या करना है, अप्रैल के बाद मज़े ही तो करने हैं. तो ये चीज़ को समझ लो, ये जितना सैक्रिफाइस तुम कर रहे हो ना, उतने ही मज़े से ये जो अभी तुम पढ़ रहे हो. मेरे सारे प्यारे भाई बहनों सुन लो, अगर कभी एग्जॉस्टेड होते हो ना, तो ये सोच लो, ये अप्रैल, मार्च अप्रैल जो अब मैं पढ़ूंगा ना, मैं जो ये मार्च अप्रैल पढ़ूंगा तो फिर टेंशन फ्री हो के ना, अप्रैल के बाद क्या था, ये मई के अंदर ना, ये इसमें टेंशन फ्री हो के पबजी खेलूंगा. वरना ना पबजी खेलते हुए भी, फ्री फायर खेलते हुए भी, शॉपिंग करते जाते हुए भी टेंशन नहीं होगा यार, रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा. तो ये टेंशन फ्री हमें यहाँ से वर्क करना है कि मार्च अप्रैल में ऐसे पढ़ूंगा कि मई जून जुलाई, जून में आएगा ना रिजल्ट, तो मई जून के अंदर जब मज़े कर रहूँगा ना, ऐसी स्कूटी पे घूम रहूँगा, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहूँगा, पबजी खेल रहूँगा, फ्री फायर खेलूँगा, पूरी पूरी रात बैठ के पिक्चर की मैराथन कराऊँगा, तो उस समय भी मेरे दिमाग में ये टेंशन आए कि रिजल्ट कैसा आएगा. वो तो मुझे पता है रिजल्ट अच्छा आएगा क्योंकि मैंने मार्च अप्रैल में पढ़ाई करी थी. ठीक है, अब पढ़ाई तो तुम रोज़ कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में क्या स्पेशल है? तो आज की इस वीडियो में आई वॉन्ट टू टेल यू द टॉपर सीक्रेट, द सो कॉल्ड टॉपर सीक्रेट. एक्चुअली मेरा सीक्रेट, मैं यूजुअली जब मेरे स्कूल डेज होते थे तो मैंने तुम्हें कहा मैं बार बार में छुट्टी मारती थी. ठीक है, बट जो ये सैटरडे नाइट होती थी ना, सैटरडे नाइट को ऐसे पढ़ना, अपना फ्यूल टैंक को इतना चार्जअप होकर पढ़ना है 11 बजे. मैं भी डालूंगी वीडियो, चाहे तो उससे पहले डालूँ जब मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी, 10:30 तक बैठ जाऊँगी मैं. ठीक है, मैं भी डालूंगी, तुम भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ोगे. आज इस सैटरडे से, आज की डेट क्या है, लिख लो अपने कॉपी के अंदर, आज के बाद जो भी सैटरडे आएगा उस दिन तुम्हें ऐसे करना है कि जो सब्जेक्ट,
जो चैप्टर जो तुम्हें डरा रहा था ना कि आज सैटरडे को मिलियो मेरे से, उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को तुम्हें ये बोलना है, आई यू तुझे सैटरडे को देखता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना तुझे स्कूल के बाहर देखता हूँ, ठीक है? तो उस चैप्टर को, उस इक्वेशन को, उस न्यूमेरिकल को तुम्हें क्या बोलना है, आ तुझे सैटरडे को देखता हूँ। तो यही काम तुम्हें करना है, ये मैं करती थी। अब मैं तुम्हें अपना बताऊँ, आई यूज़ टू हेट मैथ्स। अभी मैंने रिसेंटली मैथ्स की बुक देखी थी 10th क्लास के बच्चों के लिए, तो मुझे लगा अरे यार ईजी है, कर लूँगी मैं, आता है, तो होपफुली मैं नेक्स्ट ईयर शायद मैथ्स भी आप लोगों को कराऊँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट बनने लगता है। स्टूडेंट लाइफ में मुझे अच्छी नहीं लगती थी, अब मुझे अच्छी लगती है बिकॉज इकोनॉमिक्स में मैथ्स होती है और वो तो मुझे अच्छी लगती है, ठीक है? तो आप मेरी ये बात सुनो, अब मैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो ये जो मैथ्स थी, मेरा 9 आया था मैथ्स में, डर मुझे इतना लगता था मैथ्स से, तो वो कैसे आया? तो मुझसे पूछती हो दीदी मैथ्स का कोई टिप बताओ, 10th वाले बच्चे। तो मैथ्स हमेशा मैं सैटरडे नाइट को करती थी, सैटरडे को मैं 8 बजे बैठ जाती थी पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? सुनो, 8 बजे मैं पढ़ाई करने के लिए, सुबह तो पढ़ते ही थे हम लोग, 8 बजे तक जब स्कूल वूल से आके आराम से मैं पढ़ाई करने अपना बैठ जाती थी। 9:30 मैं डिनर लेती थी, डिनर करके 10-15 मिनट रेस्ट करा, घूमी बाहर इधर उधर करा, उसके बाद मैं जब पढ़ने बैठती थी ना तो सुबह के 5 बजे तक, 4 बजे तक, 3 बजे तक, जब तक मैं सो एंड सो चैप्टर जो मुझे डरावा देता था, अगर मैं अपने बात करता हूँ तो ट्रिग्नो हो गया, इन सब चैप्टर्स को मैं सैटरडे को निपटाती थी। आज तुझे सैटरडे को मिलते हैं, रोज़ आधे घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस तो होती थी ट्यूशन में, बट उसके अलावा आज तुझे सैटरडे को मिलते हैं। अब फिर जब मैं 12th में मैंने क्या करा, 12th में तो ऐसा मुझे कुछ इतना मुश्किल नहीं लगता था, बट जो चैप्टर्स पॉलिटिकल के कुछ बहुत हेवी लेंदी हमारे चैप्टर्स होते हैं, जिनके इतने बड़े बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं क्या कहती थी, आई यू सैटरडे को मिलती हूँ। तो सैटरडे नाइट को, अगले दिन पता है स्कूल नहीं जाना है, अब तुम्हें कोई स्कूल से होमवर्क मिलता होता था तो तुम लोग क्या करते थे, या संडे को कर लेंगे, नहीं, सैटरडे नाइट को निपटाना है अपने कामों को। जो भी काम तुमने आज तक पेंडिंग छोड़ा है ना, जो भी क्वेश्चन, जो भी सब्जेक्ट जो तुम्हें डराता है, जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, उसको तुम्हें सैटरडे को कंप्लीट करना है। सैटरडे का तुम्हारा पढ़ने का, चाहे आप अर्ली राइजर ही क्यों ना हो, तुम्हें अपना 100% बेस्ट देना है सैटरडेज को, सैटरडे नाइट को। ऐसे पढ़ोगे कि कल बोर्ड एग्ज़ाम है, आज ही सब कुछ करके जाना है, आज ही सब कुछ करके सोना है, कल बोर्ड है। इस तरीके से अगर तुमने 6 सैटरडे भी अपने यूटिलाइज कर लिए ना इन एग्ज़ाम आने से पहले, तो यू विल जस्ट शॉक योर बोर्ड्स, ठीक है? और वो उस डेडिकेशन के साथ फिर तुम ये सोचोगे कि यार जब मैं सैटरडे को इतने अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो मैं वीकडेज पे चाहे उससे थोड़ा 20% कम दे के पढ़ूंगा, तो आई विल गो टूवर्ड्स माई मंजिल, मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगा अगर मैं इस तरीके से मेहनत करूँगा। तो सारे के सारे सुन लो, सैटरडे को सबसे पहले फ्यूल टैंक भर लेना अपना। फ्यूल टैंक कैसे भर लेना, खाना खा लेना टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे, 5 मिनट भी वेस्ट नहीं होने देने। जैसे हम लोग मूवी देखने जाना होता है तो पहले से सुबह कहते हो ना, बल्कि जल्दी 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 काम करो भैया, आज शाम को पिक्चर जानी है, शो है, ऐसे बिल्कुल एक्साइटेड रहते हो ना, तो वैसे ही आज सैटरडे नाइट है। जैसे कभी कभी हम लोग सैटरडे नाइट्स को मूवी मैराथन्स देखते हैं, मैं अपने घर पे, हमारी मैं पापा फ्री होते हैं, अगले दिन नहीं जाना होता, तो इस वजह से हम पूरी फैमिली बैठ के पिक्चर्स देखते थे, ठीक है? अब जब एग्जाम के डेज होते हैं मेरे, तो उन दिनों में पिक्चर नहीं दिखती, वो लोग देख रहे होते हैं, मैं अपनी पढ़ाई कर रही होती हूँ, ठीक है? तो इसी तरीके से चाहे तुम्हारे घर में कोई कुछ भी करो, देखिए मैं एग्जाम्पल तुम्हें इसलिए दे रही हूँ, कई बार तो मैं पिक्चर सुन लेती थी, पता है मैं पढ़ रही हूँ, बराबर वाले रूम में मूवी चल रही है, मैं सुन भी लेती थी थोड़ा थोड़ा, बट नहीं, कॉन्सेंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे रखना है। इस समय पे आपके घर में काफ़ी लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बट तुम्हें उनको अभी नहीं देखना है, 2 महीने बाद उनके साथ सारा का सारा टाइम स्पेंड करना। अभी हो सकता है तुम्हारे पापा का संडे को छुट्टी होती हो, रात को बैठ के आप लोग बातें करते हो, मूवी देखते हो, कुछ भी देखते हो, अपने साथ में सीरियल देखते हो, कोई बात नहीं, नहीं, सैटरडे नाइट को वेस्ट नहीं करना है, सैटरडे नाइट को यूटिलाइज करना है। खाना खा लेना, उसके बाद 15 मिनट क्या करना है, वॉक करो, कुछ भी करो, डू एनीथिंग। खाना खाते सर पढ़ने नहीं बैठने, वरना नींद आती, ठीक है? उसके बाद जिस टाइम भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो, हद से हद 9:30 तक पढ़ने बैठ जाना। अब 9:30 के बाद 4 बजे तक तुम्हें पढ़ना है, 4 बजे तक पढ़ना है, और ऐसे पढ़ोगे कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट है ना, जो तुम्हें डरा रहा है, उसको किल कर देना है। यू जस्ट हैव टू नेल इट, समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे पढ़ना, पढ़ोगे कैसे, सबसे पहले उस चैप्टर को ग्लिम्स लेना, उसका पहले उसको हल्के में लेना, आज पहले तेरे नॉर्मल बातें करना उस चैप्टर से, उसका ग्लिम्स लेना,
फिर उसकी हार्ट को रीडिंग करना, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना, और फिर अपना रात को टेस्ट लेके सुना कि भैया उसको फुल ऑन, और रात को रिवाइज भी उसको करके सुना। तो पूरा एक जो स्टेप होता है उसको आपको कंप्लीट करके सुना। सपोज करो तुम्हारे दो चैप्टर्स हैं, एक सो एंड सो सब्जेक्ट, एक इंग्लिश का, एक मैथ्स का, तुम्हें दो में डिफिकल्टी थी, तो अपने टाइम को डिवाइड कर लेना कि जब तक ये दोनों कंप्लीट नहीं होते चाहे मैं सुबह 6 बजे सोऊंगा। क्यों? क्योंकि कल तो संडे है, कल मम्मी थोड़ी कुछ कहेंगी, ठीक है। संडे को कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, अपना ये संडे को अगले दिन तुम उठना जिस भी टाइम मज़े में अपना। तुम्हारे को जो रिलीफ मिलेगा ना, वो संडे की सुबह उठ के कि रात को मैंने अपना 100% दिया है, वो तुम आज करके देख लेना और कल मुझे बता देना दैट दीदी वी एक्सपीरियंस दिस। क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि रोज़ हमारे पे प्रेशर होता है स्कूल जाने का। अब हम रोज़ तो नहीं बंक मार सकते ऑनलाइन क्लास, रोज़ तो स्कूल नहीं जा सकते। इवन आई आस्क यू कि आप करो अगर आपको ज़रूरत लग रही है, सेल्फ स्टडी पे इफेक्ट पड़ा है तो, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसको कवर अप करो अपना सैटरडे नाइट्स में, डन। तो आज इस चीज़ को मेरा हर एक भाई बहन ट्राई करके देखेगा, इवन आई विल कम फॉर द स्टडी बडी सेशन। तुम भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगी, मुझे भी बहुत पढ़ाई करनी है अपनी। ये रही मेरी सारी की सारी बुक्स, ये रही सब है यहाँ पे, ठीक है। तुम भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगी, और ऐसे पढ़ेंगे कि जिस चीज़ से हमें डर लगता है ना उसको किल करके सोएंगे। और चाहे ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा को कोई ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट ना हो, नॉर्मल सब्जेक्ट है तुम्हारा, तो उसको तुम्हें ऐसे कर लेना है कि आज मैंने इंग्लिश उठा ली है, आज मैंने इंग्लिश उठा ली। टेंथ वाले बच्चों, फ्रेंच से डर लगता है, फ्रेंच से हिंदी है जो आज तक छू ही नहीं है, तो सोचो आज अगर मैंने हिंदी उठाई है तो इसको बहुत सारा कंप्लीट करूंगा। ट्वेल्थ के बच्चों, आपके पास फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन के 5 चैप्टर निकाल लो, आज इन सबको कंप्लीट करता हूँ। आज सैटरडे नाइट को ऐसे करूंगा कि मुझे कल कोई टेंशन ना हो कि मेरे फिजिक्स के पेपर के बाद ही थोड़े दिनों बाद फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तो मुझे टेंशन ना हो। पेंटिंग निकाल लेना, पेंटिंग के मेरे बाद है ना बायो का पेपर, क्लब मिक्स्ड है ना, तो आज पेंटिंग सैटरडे नाइट को कंप्लीट कर लेता हूँ कि जब पेंटिंग का पेपर होगा तो टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने सैटरडे नाइट को खेल कर दिया था। तो समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो लेट्स मीट टुनाइट इन द सैटरडे नाइट स्टडी बडी सेशन, सो बेस्ट ऑफ लक। अब मुझे बहुत सारी वीडियोस आपकी पढ़ाई वाली बनानी है, आई एम टेलिंग यू अभी मैं कौन सी वीडियोस बनाने वाली हूँ। टेंथ की बच्चों की आई विल मेक केमिस्ट्री का एक चैप्टर, देन टेंथ का SST का एक चैप्टर, ट्वेल्थ का इंडिगो के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, महात्मा गांधी वाला चैप्टर जिससे तुम्हें डर लगता है वो आ रहा है। ये 3 वीडियोस तो मुझे अभी बनानी है, कोई तुम्हारी स्पेशल डिमांड है बता दो, क्योंकि उसके बाद आ रहा है सैटरडे नाइट स्टडी बडी सेशन। नोटिफिकेशन आई डोंट थिंक सो आपको मिलेगी, तो जस्ट चेक द पेज, तुम्हें मिल जाएगा। एंड कॉपी पेंसिल लेके 9:30 तक बहुत जाना अपनी पढ़ाई वाली स्पेस पे, ठीक है। तो मिलते हैं रात को सैटरडे नाइट स्टडी बडी सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।